श्री वीर तेजा फाउंडेशन राजस्थान की ओर से वावो महिला कबड्डी लीग का बड़ा आयोजन हीरानंद कटारिया जी कर रहे हैं। आपका बड़ा योगदान राष्ट्र के खेल विकास में रहा है, युवाओं के खिलाड़ियों के बड़े प्रेरणा स्रोत हैं आदरणीय ओलंपियन गोपाल सैनी जी। सर, महिला कबड्डी लीग का आयोजन शायद राजस्थान में फर्स्ट टाइम हो रहा है, आप उसके साक्षी हैं और फाउंडेशन के भी आप प्रेरणा स्रोत हैं, हीरानंद जी के लिए भी आप आदर्श हैं, क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के लिए? मैं तो सबसे पहले तो क्या हीरानंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के करीब 25-26 साल पहले मैंने इस भवानी निकेतन में ये सेंटर चालू किया था और इस बच्चे ने मेहनत करके और इस सेंटर को इतना अच्छा बनाया कि करीब 25 साल से इंटर कॉलेज में ये भवानी निकेतन महिलाएं जो हैं इंटर कॉलेज चैंपियन है, तो ये इससे बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं महिलाएँ हैं इनका क्या कबड्डी के प्रति रुझान बढ़ने लगा है। अब मैं अभी देख रहा हूँ इस लीग में कि देखो कितनी लड़कियाँ इसमें भाग ले रही हैं, तो ये एक अच्छी बात है। इससे हमें क्या अच्छा टैलेंट छांटने में के लिए हमें काफ़ी सुविधा रहेगी। एक तो हम क्या है कि 10 बच्चियों में से एक बच्ची छांटें, 100 में एक छांटें, 1000 में एक बच्ची छांटें, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। तो इससे क्या है कि कबड्डी का राजस्थान में माहौल बनेगा और चूंकि ये लीग मेरे हिसाब से पहली बार ही भारतवर्ष में पहली बार हो रही है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इससे हमारे राजस्थान का जो टैलेंट है वो आगे आएगा और इनमें जोश बढ़ेगा, और जोश बढ़ेगा तो ये ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगी, भाग लेंगी, और ज़्यादा भाग लेंगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान से कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी कबड्डी में निकलेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सर, कबड्डी का भी क्रेज़ भी है, खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी सभी आगे आ रहे हैं, समाज और सरकार किस तरीके से इनको पूरा इम्पोर्टेंस दे रही है? खेल कोटे से जो नौकरियों का सिलसिला है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं बताऊं, अभी जैसे सरकार को हम कोई भी दोष देना नहीं चाहते, क्योंकि अभी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया की स्कीम लाए, वो इतनी बढ़िया स्कीम है, लेकिन इसको चलाने वाले सही आदमी होने चाहिए, क्योंकि पीएम तो जगह जगह जाके चेकिंग करेगा नहीं, और वो खिलाड़ियों के लिए जगह जगह जैसे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है जिससे कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। जैसे अभी बजट घोषणा में राजस्थान में भी इन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई है, तो अभी क्या गवर्नमेंट बहुत कुछ खिलाड़ियों के लिए करना चाहती है। स्पोर्ट्स कोटा में भी जैसे 2% का कोटा फिक्स हो गया, पहले ये था कि भाई खिलाड़ी एग्ज़ाम दे के आरपीएससी से आएंगे, वो भी हमने जब सरकार को कहा तो उन्होंने इसमें संशोधन कर दिया और अब खिलाड़ी की खाली खेल की परफॉर्मेंस के बेस पर उनको नियुक्ति दी जाएगी। जैसे अभी राजस्थान पुलिस में आपने देखा होगा 854 भर्तियाँ होंगी, वो खिलाड़ियों की खाली उनकी खेल की परफॉर्मेंस पर होगी। अब तो ये खिलाड़ियों का दायित्व है कि ये आगे आए और सरकार की जितनी भी सुविधाएं जो हैं वो लें। जैसे अभी जो भी राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे जीत के आएंगे उनको 5 लाख रुपया देंगे, उनको कोचिंग के लिए 5 लाख रुपये भारत सरकार देगी, तो इस तरह से अब ये खिलाड़ी यूथ को क्या अपने पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आगे आना चाहिए, जिससे ये जो इन बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं इनका उपयोग भी हो सके और अपने राजस्थान से अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल सके। तो निश्चित रूप से श्री वीर तेजा फाउंडेशन की इस पहल को सैनी साहब ने सराहा है और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टैलेंटेड खिलाड़ी तैयार होंगे।